प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर, रेडियन फिजिक्स बाई आसिफ मुश्ताक। फिर से मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर्स में आप सब लोगों का स्वागत है। मॉडर्न फिजिक्स में पहला चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसके ऊपर हम लोग की चर्चा चल रही है, जिसमें हम अब तक चार वीडियोस बना चुके हैं, चार लेक्चर हो चुके हैं। पांचवा लेक्चर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पार्ट टू है ये। इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट वन की हमने डिस्कशन किया था। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो शुरू से देखें, क्योंकि यहाँ पर जो है कड़ी से कड़ी जुड़ी है। अगर पीछे की चीज़ें आपकी क्लियर होंगी तभी आगे की चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो याद दिला दें, अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं फोटोन के बारे में, मैटर वेव्स के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पिछले वीडियो में हमने कवर किया था, जिसमें हमने बात करी थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी कहाँ से हुई थी, किस किस तरीके से इसके ऊपर काम हुआ, क्या होता है कैथोड, क्या होता है एनोड, कहाँ पर पड़ती है लाइट, कहाँ से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्या होती है उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है वर्क फंक्शन, क्या होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट एकदम बताया गया था। अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा होगा तो वो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। लास्ट में हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन करंट, फोटो करंट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन फोटो करंट। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, या इंटेंसिटी को चेंज करने से फोटो करंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये पढ़ा था। और बात निकल कर आई थी कि इंटेंसिटी चेंज करने से फोटो करंट डायरेक्टली चेंज होता है, इंटेंसिटी चेंज करने से पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, ये हमने पढ़ा था, और स्टॉपिंग वोल्टेज भी चेंज होता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने करी थी। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है बताया था आपको, एक ऐसा पोटेंशियल जिसके ऊपर जो करंट होता है फोटो करंट वो जीरो हो जाता है, उसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, विच इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, और बताया था कि अगर हम पॉजिटिव की तरफ वोल्टेज बढ़ाएंगे एनोड का, तो एक ऐसा इंस्टेंट आता है जब ये वोल्टेज बढ़ाने से करंट सेचूरेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेचूरेशन करंट। तो यहाँ तक की बातें जो हम पिछले वीडियो में पढ़े थे, हालवेक्स एंड लिनार्ड नाम के साइंटिस्ट ने यहाँ तक की बातें एक्सप्लेन कर दी। पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जितना भी जो बेसिक बातें थी, उनका एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया। और हमने पिछले टर्न पर आपको बताया था ये काफ़ी लंबा ड्यूरेशन था जो इन्होंने जो है अपना जो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, 1886 से लेकर के लगभग 1902 तक इन्होंने ये सब किया। अब बात आती है आइंस्टाइन की। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, यानी क्वांटा या क्वांटम ऑफ रेडिएशन। यानी अब बात आई आइंस्टाइन की, अब आइंस्टाइन का वक्त आया, और आइंस्टाइन ने 1905 में, यानी जब ये एक्सपेरिमेंट हालवेक्स और लिनार्ड ने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन उस टाइम पर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो जो हैं डिस्प्यूट में थी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्लियरिटी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पर वेव थ्योरी बहुत चलती थी, है ना। वेव थ्योरी मान्य थी, यह माना जाता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, यानी जो लाइट होती है उसके अंदर सिर्फ वेव नेचर है। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें जो वेव थ्योरी के हिसाब से वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन करी थी, हाइगेंस ने एक्सप्लेन करी थी, वो अभी हम बात करेंगे डिस्प्यूट क्या था इनके बीच में। तो 1905 में आइंस्टाइन ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एक नई पिक्चर दिखाई, एकदम नई बात बताई इन्होंने, जो मतलब सोच से एकदम लोगों के परे थी जो इन्होंने बात करी। इन्होंने बात ये बताई कि अगर हम कोई भी जो है मेटलिक सरफेस लेते हैं जहाँ से हम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करवाना चाहते हैं, ये कोई मेटलिक सरफेस है, इससे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होना है, ये करवाना चाहते हैं,
तो पहले ये माना जाता था कि ये जो लाइट यहाँ से आ रही है तो इस लाइट के अंदर इंटेंसिटी है, इसके पास एनर्जी एक कंबाइंड फॉर्म में है, और ये एनर्जी जाकर के सीधे इस मेटल के सरफेस के ऊपर फैल जाएगी, और फैलने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ इजेक्ट होंगे। इस बात को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इन्होंने पेश करा। कैसे पेश करा? इन्होंने बताया ये बात सही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यानी जो लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं, ये पूरी एनर्जी इस तरीके से वेव के फॉर्म में एनर्जी नहीं है ना, ये एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में है। यानी यहाँ पर जो एनर्जी है वो पैकेट्स के अंदर भरी हुई है, इस तरीके से पैकेट्स हैं, इन पैकेट्स के अंदर भरी हुई है, ठीक है। और इन पैकेट्स को ही इन्होंने नाम दिया, ये है क्वांटा, क्वांटा ऑफ एनर्जी, जिनको बाद में चल करके बताया था तुमको, नाम दे दिया गया था फोटॉन्स, क्वांटा ऑफ एनर्जी है। यानी यहाँ पर एनर्जी के छोटे 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 पैकेट्स हैं जिनको फोटोन बोला गया, और हर पैकेट के अंदर इतनी एनर्जी भरी है, एच न्यू, ये एनर्जी भरी है, ठीक है, इन फोटॉन्स के पास, और ये ही होती है एक फोटोन की एनर्जी, एच न्यू। तो ये एनर्जी फोटॉन्स जो है हर एक फोटोन के पास है, पैकेट के फॉर्म में बंद है, ऐसा नहीं है कि पूरा एक गुच्छा है, छोटे 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 टुकड़ों से बनकर के ये एनर्जी बनी है ना। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल बात करी जाए, एक पानी की धार ऊपर से नीचे की तरफ झरना गिर रहा है मान लो, ये तो इसमें पानी बिखरा हुआ है पूरे झरने में, है ना, यूनिफॉर्मली, बिल्कुल यूनिफॉर्मली नीचे की तरफ गिर रहा है। यही बात करो दूसरी तरफ, अगर मान लो बारिश हो रही है, पानी तो वो भी है, लेकिन वहाँ पर पानी के अंदर छोटी 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 बूंदें हैं, और उन बूंदों से मिलकर के सागर में अगर किसी भी जगह पर पानी गिर रहा है तो वो धीरे 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 करके इकट्ठा होगा। तो जो वेव थ्योरी थी उसने ये बताया कि ये झरना है, मतलब पूरी तरीके से एक जो है यूनिफॉर्म एनर्जी है, लेकिन उन्होंने बताया एनर्जी झरना नहीं है, वो एनर्जी जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में है, उन टुकड़ों से मिलकर के पूरी एनर्जी बनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, ठीक है। और इन्हीं एनर्जी के टुकड़ों को इन्होंने बोला क्वांटा ऑफ एनर्जी, यानी एच न्यू। एकदम नई बात बता रहे हैं, लोग एकदम हैरान और परेशान, अरे ये क्या बात चल रही है इधर, मतलब ऐसा कैसे हो गया यार, इससे पहले तो वेव थ्योरी इतने टाइम चली, 50 साल तक चलती रही, कोई उंगली उठाने वाला नहीं था, लेकिन इधर उंगली उंगली है। तो यहाँ पर अब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी आकर के किसी भी सरफेस के ऊपर पड़ेगी, उस सरफेस के ऊपर जब ये एनर्जी पड़ेगी तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने के लिए तैयार है, लेकिन इस फ्री इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यहाँ का जो वर्क फंक्शन है, यानी जो लगान है, वो तो देना ही पड़ेगी। तो अगर ये वाली एनर्जी, यानी क्वांटा ऑफ एनर्जी, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ये क्वांटा ऑफ एनर्जी अगर इस वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है जो काइनेटिक एनर्जी लेकर के निकलेगा वो होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये लेकर के यहाँ से निकला, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले ही कैथोड से एनोड की तरफ पहुँच रहे थे। अब इन्होंने ये बताया कि इसमें जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एटम से घिरा हुआ हो, उसके इर्द गिर्द ज़्यादा एटम्स हों, यानी उसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हों, तो फिर वो यहाँ से जो निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो, लेकिन उसकी एनर्जी इससे कम होगी, तो हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ ना जा सके, यानी एनोड तक ना पहुँच सके, तो अगर एनोड तक नहीं पहुँचेगा तो फिर वो फोटो करंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन कंसीडर करे जाते हैं वो सिर्फ वो जो दौड़ में शामिल हैं, जो दौड़ में शामिल ही नहीं होंगे तो वो फोटो करंट कहाँ से देंगे। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सबकी अपनी अपनी एनर्जी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा टाइटली बाउंड है, ज़्यादा इसके इर्द गिर्द फोर्सेज हैं, ये एकदम मतलब एक ही शेल से बंधा हुआ है,
दूसरा ये और टाइटली बाउंड है, इस तरीके से बंधा हुआ है। अब यहाँ से हमने एनर्जी मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दी। अब इस सरफेस का जो वर्क फंक्शन है, मिनिमम जो एनर्जी है, वो मान लो इसको निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ से लगा, इसको निकालने के लिए ज़्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ पर एट्रैक्टिव फोर्सेज ज़्यादा हैं, और इसको निकालने के लिए और ज़्यादा लगेगा क्योंकि और ज़्यादा है यहाँ। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा एनर्जी लेकर के बाहर निकलेगा, ये वाला उससे कम और ये वाला उससे कम। तो 100% ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये उस बैरियर पोटेंशियल, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला जो बैरियर है उसको क्रॉस करने के लिए सक्षम है, निकल जाएगा। ये वाला जा भी सकता, नहीं भी जा सकता, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या पता कम है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो है, जैसा हमने पढ़ा था इस तरीके से, ये कैथोड था, ये एनोड था, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं तो फिर करंट कहाँ से आएगी। लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जरूर पहुँचेगा, जरूर इसके ऊपर टकराएगा। तो इसीलिए इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम वालों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पर फोटो करंट देंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी एनर्जी यानी जो टाइटली बाउंड हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कम हो सकती है। तो फिर अब यहाँ पर ये बात बनी कि ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर के निकलेगा, अब सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर के निकला, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यानी हमने इसको दी थी ई एनर्जी, जो एक फोटोन की एनर्जी है, माइनस इसमें से हमको करना पड़ेगा वर्क फंक्शन। ये है आइंस्टाइन की इक्वेशन, ठीक है, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इसी को बोला जाता है। यानी ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है, पूरी वेव के लिए नहीं है। जो भी हमने एक फोटॉन को एनर्जी लेकर के भेजी, वो एनर्जी सीधे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाएगी, सरफेस के ऊपर नहीं फैलेगी, सीधे इलेक्ट्रॉन उसको पकड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन पकड़ने के बाद सीधे जो है इलेक्ट्रॉन को अगर इतनी एनर्जी मिली है कि वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ जाएगा, और जो बाहर आएगा उसके पास इतनी एनर्जी होगी जिसको बोला जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं इंसिडेंट एनर्जी ऑन फोटो सेंसिटिव सरफेस इज डिवाइडेड इंटू वर्क फंक्शन एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और एक बात और लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाउंड टाइटली विद एटम्स विल पजेस, अब उसके बाद यहां लिख लेना, लेस एनर्जी देन के मैक्स। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से इनके पास एनर्जी कम होगी, नोट करो, हो गया। चलो, तो यहां पर बात हमारी यही बनी कि जो एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये सिंगल फोटोन की एनर्जी, सिंगल फोटोन ने ली, और वो फोटोन अगर ये वाली एनर्जी जो ऊपर से डाली गई है, ये इसके वर्क फंक्शन से अगर ज़्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर के निकलेगा। अब ये वाली एनर्जी अगर हो सकता है कि बहुत से इलेक्ट्रॉन्स के पास मैक्सिमम से कम हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होंगे। तो ये हमारी आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो इसकी बहुत सारी फॉर्म्स बन सकती हैं जिन पे सवाल आपको मिलेंगे, कौन कौन सी बन सकती हैं देखो,
इसकी क्या क्या फॉर्म्स बन सकती हैं। जैसे देखो, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस वर्क फंक्शन। अब यहाँ पर कभी अगर जैसे डायरेक्टली सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी हैं, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, तो आप काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हो। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी की जगह दो चीज़ें इस्तेमाल करी जा सकती हैं। अगर कभी आपसे मान लो बोल दिया कि स्टॉपिंग वोल्टेज बताइए, तो स्टॉपिंग वोल्टेज अगर पूछा है तो इसकी जगह पे हम दो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ई इंटू वी नॉट, ये था एक फार्मूला, और एक चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है हाफ एम और इंटू वी मैक्स का स्क्वायर, ये दो चीज़ें। या तो कभी वोल्टेज पूछा तो ये लगा लो ई वी नॉट इज इक्वल टू ई माइनस वाई नॉट। इसकी जगह पे क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, इसकी जगह पर तीन चीज़ इस्तेमाल हो सकती हैं। देखो, या तो इस्तेमाल कर सकते हो एच न्यू, ये इंसिडेंट जो लाइट है यानी जो इंसिडेंट फोटॉन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है, या फिर इसकी जगह वेवलेंथ हो सकती है एच सी और अपॉन में लैम्डा, ये हो सकता है। और अगर मान लो तुमको इलेक्ट्रॉन बोल्ट में निकालना है तो इलेक्ट्रॉन बोल्ट में फार्मूला रख सकते हो 12400 बताया गया तुम्हें और अपॉन में लैम्डा, फिर ये एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, तो आंसर तुम्हारा किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, ऐसे ही इसकी जगह पे भी तीन चीज़ रख सकते हो तुम, एच न्यू नॉट, न्यू नॉट बताया तुमको, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है, नीचे नहीं होता। और इसकी जगह एच सी अपॉन लैम्डा नॉट होता है, ये थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ है। ठीक है, और यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हो 12400 और अपॉन में थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट, ये एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, तो आंसर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, तो इतनी फॉर्म्स हैं इसकी। ठीक है, इन फॉर्म्स में से किसी के भी ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी भी मान लो ये इसके ऊपर वोल्टेज सवाल करेंगे अभी, तो देखना इसके ऊपर भी मिलेगा, इनके ऊपर भी मिलेंगे, इनके ऊपर भी मिलेंगे, सब पे सवाल तुम्हें मिलेंगे, तो इतनी फॉर्म्स हैं। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। हो गया, हो गया, ठीक। अब देखो, अब इससे देखो क्या क्या रिजल्ट निकले, मतलब आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस ये थी, तो इससे क्या क्या रिजल्ट आए, क्या क्या रिजल्ट निकले। ठीक है, पहले हम इसके जो भी ये आपकी आपको इक्वेशंस ये पढ़ाई गई, पहले इन पे बेस्ड कुछ सवाल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं सवाल। चलिए तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया गया है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय ए लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन फाई। यानी हमसे यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी गई है। तो देखिए, आइंस्टाइन की इक्वेशन के मैक्स इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ये फार्मूला होता है। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लिख सकते हैं हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर, और इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ हमको दे रखी है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाई। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी, हमको मैक्सिमम वेलोसिटी इधर से कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और अपॉन में एम लिख सकते हैं इसको हम, और इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, तो एच सी माइनस लैम्डा फाई और अपॉन में ये हो जाएगा लैम्डा, एलसीएम ले लिया इसका हमने ये। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो वी मैक्स अंडर रूट ले लिया जाए, तो वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 और अंदर हुआ एच सी माइनस लैम्डा फाई अपॉन में
नीचे हो जाएगा m इंटू लेमडा और इसकी पावर हाफ मीन्स अंडर रूट, बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक कर सकते हो आप, आंसर मैच करेगा 2hc माइनस लेमडा फाई और अपॉन में m लेमडा, यानी c वाला ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया है व्हेन ए पॉइंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम फोटोसेल, यानी यहां पर बोला गया है एक पॉइंट सोर्स है, जैसे ये देख लीजिए ये सोर्स है और ये एक सेल से, ये सेल है, इससे इसकी दूरी दे रखी है आर वन इज इक्वल टू 0.2 मीटर, कट ऑफ वोल्टेज एंड सेचुरेशन करंट इज 0.6 एंड 18 मिली एम्पियर, यानी यहाँ पर इनिशियली करंट दे रखा है हमको 18 मिली एम्पियर और स्टॉपिंग वोल्टेज की वैल्यू दी है 0.6 वोल्ट। इफ़ द सेम सोर्स इज प्लेस्ड एट 0.6 मीटर, मीन्स सवाल में ये बोला गया कि अगर आप सोर्स को इसी सेल से दूरी इसकी बढ़ा दी गई यानी R2 कर दिया गया 0.6 मीटर, ये हो गया, तो फिर कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक सेल से क्या चेंज होगा। पहले में दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी 0.2 वोल्ट, तो हमने आपको बताया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, दूरी पर डिपेंड नहीं करेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना था उतना ही रहेगा, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.6 था ये उतना ही रहेगा। करंट लेकिन चेंज हो जाएगी, क्योंकि करंट इसलिए चेंज होगी, ये हमने बताया था आपको, इन करंट डायरेक्टली डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे और इंटेंसिटी इन्वर्सली डिपेंड करती है दूरी के स्क्वायर पे, और यहाँ आप देख रहे हो दूरी को 3 गुना बढ़ाया गया है, तो करंट उसके स्क्वायर टाइम्स यानी 9 गुना घट जाएगी। ठीक है, यानी करंट 9 टाइम्स, क्योंकि दूरी को यहाँ पर बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया, 3 टाइम्स किया गया है, तो करंट पहले कितनी थी 18 थी, तो 18 की अब 9 गुना घट जाएगी यानी 2 मिली एम्पियर हो जाएगी, 2 मिली एम्पियर का कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए करंट वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं माना जाएगा, सही आंसर बी होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमको दिया है इन ए फोटो इमिसिव सेल विद एक्साइटिंग वेवलेंथ लैम्डा फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन हैज स्पीड वी, यानी वी स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड दे रखी है। ठीक है, जब वेवलेंथ लैम्डा, तो इसके लिए देखो आइंस्टाइन की इक्वेशन अगर हम लिखें तो ये होगी हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। आप कह रहा है इफ एक्साइटिंग वेवलेंथ इज 3λ/4, यानी लैम्डा चेंज कर दिया गया, तो स्पीड हो गई हाफ एम वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी और अपॉन में 3λ/4 माइनस वर्क फंक्शन, ये हो गया। तो अब हमसे ये पूछा गया स्पीड ऑफ फास्टेस्ट इमिटेड इलेक्ट्रॉन, यानी जो फास्टेस्ट इमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड क्या होगी, तो इनको डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो वी डैश और अपॉन में वी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी, ये हो जाएगा एच सी, अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए 4hc, तो ये हो जाएगा 4hc माइनस 3λ/5। ठीक है, और अपॉन में कितना होगा 3λ और अपॉन में नीचे 3λ, नीचे हो जाएगा hc माइनस λ/5 और अपॉन में लैम्डा, तो ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास बचेगी 4hc माइनस 3λ और अपॉन में 3 और इनटू hc माइनस λ/5 ये आया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे 3hc माइनस 3λ/5 है, ठीक है, और ऊपर 4hc माइनस 3λ/5 है, यानी ऊपर एक hc ज़्यादा है, तो अगर ऊपर एक hc ज़्यादा, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये है hc प्लस
थ्री एच सी माइनस लैम्डा फाई, ये है, और नीचे है थ्री एच सी माइनस लैम्डा फाई, ये है। तो अगर ये ऊपर नीचे मान लो ये दोनों बराबर होते, मतलब 3SC माइनस लैम्डा फाई, 3SC माइनस लैम्डा फाई, तो ये फिर ये वैल्यू 1 होती। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो 1 है, ये वाली वैल्यू अगर डिवाइड करके देखा जाए तो 1 है, तो ये वाली वैल्यू 1 से फिर ज़्यादा है, यानी 1 से ज़्यादा है ये वैल्यू। तो 1 से ज़्यादा मतलब यहाँ पर देखो इनिशियल वैल्यूज़ हमको दे रखी थी 4 और नीचे है 3, तो 3SC प्लस SC मतलब 4SC, तो फिर 1 से ज़्यादा हम इसे कह सकते हैं, यानी V डैश और अपॉन V इसका स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 अपॉन 3, क्योंकि ऊपर 4 था नीचे 3 और 1 से बड़ा नंबर है ये, तो यहाँ से हम कह सकते हैं V डैश अपॉन V विल बी ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 4 अपॉन 3, तो फाइनल स्पीड हो जाएगी अंडर रूट 4 अपॉन 3 से ज़्यादा। इसका मतलब कौन सा आंसर सही होगा, डी वाला। सिर्फ यहाँ पर कंपेयर करना है, कंपेयर करने से आपको पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू ज़्यादा है कौन सी कम है, ठीक है। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें दिया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ सोडियम करस्पॉन्ड्स टू 5000 एंगस्ट्रॉम, इट्स वर फंक्शन इज, ठीक है, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं, सॉरी ये वेवलेंथ होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ सोडियम करस्पॉन्ड्स टू ए वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, तो वर्क फंक्शन पूछा, तो वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू एच सी और अपॉन में लैम्डा होता है, और बताया था आपको एच सी की वैल्यू होती है 2 × 10⁻²⁵, और इसको हम रख सकते हैं 5000 × 10⁻²⁰, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻²⁵, और ये प्लस का 7 नीचे से पहुंच जाएगा और नीचे बचेगा 5, यानी 0.4 × 10⁻³, कितना बचा इधर, इधर कितना बचेगा 18, यानी माइनस का 18, तो आंसर होगा 4 × 10⁻¹⁹, ठीक है, बस ये हो जाएगा 5000 हो गया, ये 7 बचा, 7 ऊपर चला गया, तो 18 यहाँ से बचा और ये 5.4 हुआ, 0.4 दो से हमने 5 को डिवाइड कर दिया तो 0.4 हुआ × 10⁻¹⁸, तो ये 4 × 10⁻¹⁹, ये वाला ऑप्शन सही कर लेना, आंसर होगा 4 × 10⁻¹⁹। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर पढ़ते हैं। अगले में दिया है वर्क फंक्शन फाई लैम्डा वेवलेंथ, देर इज नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वैन, तो ये हमने बताया कि नो इमिशन के लिए अगर इंसीडेंट एनर्जी की वैल्यू वर्क फंक्शन से कम होएगी तो कभी इमिशन नहीं हो सकता। अब ये इंसीडेंट एनर्जी होती है एच सी अपॉन लैम्डा इज लेस देन फाई, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू अगर एच सी अपॉन फाई से ज़्यादा हुई तो इस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो पाएगा, यानी लैम्डा इज ग्रेटर देन एच सी अपॉन फाई, सी सही है, सिंपल सा सवाल है, बस ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ये कंडीशन होती है एनर्जी कम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए, एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होना चाहिए थ्रेशोल्ड से, और वेवलेंथ कम होना चाहिए थ्रेशोल्ड से, तो होता है फोटो इलेक्ट्रिक मिशन। अगले सवाल पर आते हैं। इसमें दिया है इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट फोटॉन्स ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, लिबरेटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट स्टॉप्ड बाई -3.5, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू द मेटल, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस,
तो यहाँ पर वर्क फंक्शन अगर पूछा है तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, यानी इंसिडेंट एनर्जी माइनस ई इंटू वी नॉट। तो इंसिडेंट एनर्जी यहाँ पर दे रखी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, ये हो जाएगा माइनस 3.5 वोल्ट दे रखा है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया ये, तो 5 में से 3.5 माइनस कर दो कितना आंसर आएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डी सही है, सिंपल सिंपल सवाल है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जिनकी एनर्जी दे रखी है, एल्युमिनियम सरफेस जिसका वर्क फंक्शन दिया, काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछी गई है फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर भी हम आइंस्टाइन इक्वेशन यूज़ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो देखो एनर्जी यहाँ पर हमको 6.2 दे रखी है, 6.2 माइनस वर्क फंक्शन 4.2 दे रखा है, तो ये वैल्यू आई 2, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई, जूल में पूछा आंसर, तो 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹, तो ये हो जाएगा 3.2 × 10⁻¹⁹। छोटे छोटे सवाल हैं ये। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। इसमें दिया है लाइट ऑफ वेवलेंथ फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर निकालना तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी होती है ई इंटू वी नॉट, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, और एनर्जी यहाँ से निकल जाएगी क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं 12400 और अपॉन लैम्डा, और लैम्डा हमको दे रखा है 5000 माइनस 1.9, तो ये 20 से 20 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 × 2 = 10 और 24, 5 × 5 = 25 हो जाएगा 2.5 माइनस 1.9, तो इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना बचेगा 1.9, यानी पॉइंट कितना बचेगा ये 0.6 है ना, 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये ई इंटू वी नॉट, तो ई से ई कैंसिल, यानी स्टॉपिंग वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी 0.6। तो 0.6 के आसपास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 0.5, ए वाला सही है। ठीक है, बस फार्मूलों का चॉइस सही रखना है, फार्मूले कौन सा लगाना है, क्योंकि यहाँ मेन कैलकुलेशन है सिर्फ और कुछ नहीं है, फार्मूला एक ही है। अगले सवाल में दिया लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब फिल्ड विद हाइड्रोजन फॉल्स ऑन द कैथोड, यानी डिस्चार्ज ट्यूब आ रही है और कैथोड पर पड़ती है आके, वर्क फंक्शन सरफेस का दिया है, यानी फाई हमको दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एनोड वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू कैथोड विल मेक द फोटो करंट जीरो। यहाँ देखो दिया कह रहा डिस्चार्ज ट्यूब आ रही है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन से अगर आएगी, तो हाइड्रोजन से अगर हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, यानी इतनी एनर्जी आती होगी, तो ये हमारी इंसिडेंट एनर्जी होगी। तो अब हमको निकालना क्या है, विच ऑफ एनोड वोल्टेज, यानी ई इंटू वी नॉट बराबर एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, और एनर्जी है 13.6 माइनस वर्क फंक्शन है 4, तो ये लगभग लगभग कितना हो जाएगा 13.6 में से अगर 4 माइनस कर दें तो 9. कुछ, यानी लगभग लगभग 10 हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, ई इंटू वी नॉट, तो यहाँ से ई से ई कैंसिल, और ये आपको मालूम है कि स्टॉपिंग वोल्टेज हमेशा माइनस में होता है, तो माइनस 10 वोल्ट्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 11, इसमें दिया है फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर मैक्सिमम पोटेंशियल अप टू विच ए कॉपर बॉल रिमोट फ्रॉम ऑल अदर बॉडीज विल बी चार्ज्ड व्हेन इरेडिएटेड बाय ए लाइट ऑफ 140 नैनोमीटर। ठीक है, अब ये आप खुद से कर लेना, बहुत सवाल इस टाइप के मैंने करवा दिए,
फोन करना, खुद से करो। अगला सवाल, इसमें देखो हमको दिया कह रहा है एक मेटलिक सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट है और फोटॉन्स की एनर्जी 2h न्यू नॉट है, इसको सरफेस पर डाला गया तो इलेक्ट्रॉन्स इतनी स्पीड से निकले। तो यहाँ पर हम वही लगाएंगे जो आइंस्टाइन की इक्वेशन होती है वो इसमें लगा दें, यानी हम यहाँ पर लगा सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस वर्क फंक्शन। तो पहली इक्वेशन हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी यहाँ पर कितनी दे रखी है 2h न्यू नॉट और वर्क फंक्शन है h न्यू नॉट, यानी ये बचेगा हमारे पास h न्यू नॉट, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन में कह रहा जब एनर्जी को 5h न्यू नॉट कर दें, तो दूसरी कंडीशन में हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू 5h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट, तो ये बचेगा हमारे पास 4 times of h न्यू नॉट, ये दूसरी इक्वेशन होगी। तो कह रहा वेलोसिटी बताइए, तो आप डिवाइड कर दो, रेशियो अगर ले लिया जाए रेशियो 2/1 का, तो हमको मिलेगा क्या v2/v1² इज इक्वल टू इधर बचेगा 4 एच न्यू नॉट और डिवाइडेड बाई एच न्यू नॉट, ये कैंसिल, तो यहाँ से v2/v1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी बाद वाली स्पीड पहले वाली की दुगनी हो जाएगी। पहले वाली कितनी थी 4, तो बाद वाली हो जाएगी 8 × 10⁶। डी सही है, बस दो इक्वेशन बनाना है और दो इक्वेशन बना करके वैल्यू पुट कर देना है, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद एनोड पोटेंशियल फॉर फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ 3 different रेडिएशंस, IA, IB, IC इंटेंसिटीज हैं और FA, FB, FC फ्रीक्वेंसीज हैं ABC कर्व के लिए, तो कौन सा सही है पूछा। तो ये कर्व हमने आपको पढ़ाए थे जब इंटेंसिटी पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो A है, B है और C है, इनकी B की और C की अगर इधर देखा जाए तो दोनों के स्टॉपिंग वोल्टेज अलग अलग हैं, B का और C का, ठीक है, लेकिन A का और B का स्टॉपिंग वोल्टेज सेम है। तो यहाँ पर अगर A को और B को कंपेयर किया जाए, इनके स्टॉपिंग वोल्टेज सेम है, स्टॉपिंग वोल्टेज A के और B के सेम है। तो स्टॉपिंग वोल्टेज सेम कब होते हैं, जब फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट रखें, इसका मतलब ए की और बी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सेम होना चाहिए, ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी ए की और फ्रीक्वेंसी बी की सेम होना चाहिए, लेकिन इंटेंसिटी इनकी सेम नहीं होगी, इंटेंसिटी ए की अलग होगी और बी की अलग होगी, वो फिगर में दिख रहा है, ए का ग्राफ नीचे है और बी का ग्राफ ऊपर है, इसका मतलब इंटेंसिटी दोनों की अलग है। और अगर हम बी को और सी को कंसिडर करें, तो बी को और सी को कंसिडर करोगे तो इनके स्टॉपिंग वोल्टेज अलग अलग हैं, और स्टॉपिंग वोल्टेज अगर अलग अलग हैं इसका मतलब बी की और सी की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो सकती, लेकिन इनकी इंटेंसिटी सेम होगी, बी की और सी की इंटेंसिटी आपस में सेम होगी, वो दिख रहा है, दोनों ग्राफ देखो एक ही जगह मिल रहे हैं जाकर के, ये दोनों ग्राफ हमने पढ़ाए आपको। तो अब ऑप्शन देख लो, ए इज इक्वल टू बी, आई ए इज नॉट इक्वल टू आई बी, इसका मतलब ए ही सही है ना, और बी वाले में दिया ए और सी की फ्रीक्वेंसी सेम है, नहीं गलत है, क्योंकि ए की और सी की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, है ना। अगले सवाल पढ़ते हैं, इसमें दिया है एक मैट्रिक सरफेस को लैम्डा वेवलेंथ से इल्यूमिनेट करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्स है, जब 2λ से करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल x/3 है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमसे पूछी गई है, तो दो इक्वेशन बनाओ इसमें, ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछी गई है, तो वर्क फंक्शन से लिख लो, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जब फाई वर्क फंक्शन कितना है, पहले वर्क फंक्शन ही निकालना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
वर्क फंक्शन की जगह, क्योंकि हमको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए, तो इसकी जगह लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, चलो इसको कह दो, जब सरफेस पर डाला जा रहा था कितना लैम्डा, तो ये हो जाएगा एच सी और अपॉन लैम्डा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था एक्स, तो माइनस ई और इंटू एक्स हो गया, पहली इक्वेशन होगी। दूसरी में हो गया एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, ये इज इक्वल टू एच सी और अपॉन में कितना है बाद में वेवलेंथ टू लैम्डा, और माइनस ई इंटू एक्स अपॉन थ्री, बस ये हो गया। अब यहाँ से जो है अगर चाहो तो ई एक्स की वैल्यू उठा करके पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में डाल दो, तो ये हो जाएगा देखिए एच सी अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन टू लैम्डा माइनस वन अपॉन थ्री, और ई एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हो अब तुम देख लो यहाँ से ई एक्स की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, तो ई एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, बस ये लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके लैम्डा निकाल लो, लैम्डा की जो भी वैल्यू आ जाए, ठीक है सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या हो जाएगा देखो एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, और ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस एच सी अपॉन थ्री लैम्डा नॉट, ये इधर ले आए हम उठा करके मल्टीप्लाई करने के बाद, और इधर बचेगा एच सी अपॉन टू लैम्डा माइनस एच सी अपॉन थ्री लैम्डा। अब यहाँ से देखो इसका एलसीएम आएगा थ्री लैम्डा नॉट, और यहाँ पर कितना बचेगा थ्री एच सी माइनस एच सी इज इक्वल टू, इसका आएगा सिक्स लैम्डा और ऊपर थ्री एच सी माइनस टू एच सी, तो यहाँ पर बचा हमारे पास एच सी अपॉन थ्री लैम्डा नॉट, और यहाँ पर भी बचा एच सी अपॉन, यहाँ टू एच सी बचेगा टू एच सी अपॉन थ्री लैम्डा नॉट, और यहाँ बचेगा एच सी अपॉन सिक्स लैम्डा, एच सी से एच सी कैंसिल, तो अब यहाँ से हमको निकालना क्या था लैम्डा नॉट, तो ये हो जाएगा थ्री लैम्डा नॉट इज इक्वल टू ट्वेल्व लैम्डा, छः दूनी बारह लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी लैम्डा नॉट इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ लैम्डा, बी सही है, ठीक है। बस दो इक्वेशन बनाना है और दो इक्वेशन बना करके इनको सॉल्व कर देना, पहले ई एक्स यहाँ पर रख लिया, फिर ई एक्स वाई थ्री रख लिया, फिर उसके बाद इसको हमने सॉल्व कर दिया। चलिए हो गया, ठीक। अब देखो ये जो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है ये बताया था तुमको किस पर डिपेंड करती है, इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फोटॉन से डायरेक्ट रिश्ता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो फोटॉन है ये एनर्जी लेकर के आया और ये फोटॉन की एनर्जी डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करी, ये और एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो निकला ये कौन सी एनर्जी लेकर के निकला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है इस एच न्यू के ऊपर, मतलब फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ये बताया भी था पिछले लेक्चर में, यानी अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, ना कि इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ क्वांटा, एनर्जी क्वांटा यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ एनर्जी, यानी कितने फोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स किसी भी यूनिट एरिया में यूनिट टाइम के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, इसको इंटेंसिटी बोला जा रहा है। तो इससे इंटेंसिटी को चेंज करने से कोई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। जैसे देखो
अगर मान लो हमारे पास दो सरफेसेस हैं, ये दो सरफेस हैं, एक सरफेस की इंटेंसिटी अगर आई है और इस वाली सरफेस की इंटेंसिटी अगर टू आई है और कलर सेम है, रेड कलर इसका है और रेड ही कलर इसका है, तो बस फर्क ये होगा कि अगर इस वाली सरफेस के ऊपर टोटल चार फोटॉन्स गिर रहे हैं और हर फोटोन की एनर्जी यहां पर एच न्यू है, तो यहां पर अगर बात करी जाएगी तो ये 2i का मतलब ये हुआ कि चार के बजाय यहां पर कितने फोटोन गिर रहे हैं, आठ फोटोन गिर रहे हैं, लेकिन हर फोटोन की एनर्जी वही है, एच न्यू है, क्योंकि इंटेंसिटी चेंज करिए और इंटेंसिटी चेंज करने का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन्स को हमने चेंज किया, ना कि एनर्जी चेंज करिए, ना कि एच न्यू चेंज किया, क्योंकि एच न्यू सेम है, रेड कलर रेड कलर, तो जो रेड कलर के पास यहां पर एनर्जी है वही यहां पर एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकलेगा तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी इससे मिलेगी उतनी ही एनर्जी यहां से जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसके पास भी उतनी ही एनर्जी होगी, सही है। ऐसा नहीं है कि यहां पर ज्यादा फोटोन है तो ये ज्यादा एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ना, क्योंकि यहां पर पूरी एनर्जी से तो मतलब ही नहीं है, यहां पर सीधे मतलब है इस फोटोन की एनर्जी से, और फोटॉन्स तो इसके पास भी वही एनर्जी है, इसके पास भी वही एनर्जी है, तो जितनी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा उतनी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा। तो अगर इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज होगी तो वो चेंज तभी होगी जब ये फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और ये फ्रीक्वेंसी तभी चेंज होगी जब तुम यहाँ पर कलर चेंज करोगे। अगर यहाँ पर रेड के बजाय तुमने यहाँ ग्रीन कलर ले लिया तो सही है, तो फिर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो फिर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी, समझ में आ गई बात। तो कुल मिलाकर के बात ये बनी कि जो एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में इंटेंसिटी इररिलेवेंट टर्म है, यानी इंटेंसिटी बढ़ाने से कभी भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी की, ठीक है। तो हम यहां पर कह सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स, depends on frequency of radiations, not on intensity of radiations, ठीक है। यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पर करेगी, फ्रीक्वेंसी पे। अगर रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी को बदलोगे तो फिर काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी, इंटेंसिटी बदलने से नहीं बदलेगी। जैसे यहाँ तुमने देखा ही, इंटेंसिटी हमने चेंज की लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं बदली, ठीक है। इंटेंसिटी चेंज की लेकिन एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की नहीं बदली, ठीक है। पहली बात तो ये बनी। दूसरी चीज देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, यानी कभी भी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। तो अगर ये नेगेटिव नहीं होती है तो हमारे पास रिलेशन होता काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस फाई। तो नॉन नेगेटिव होने की अगर तुम कंडीशन लगाओगे तो यहां पर हम कह सकते हैं फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टू अकर, मतलब अगर हम किसी भी सरफेस से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करवाना चाहते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कराने के लिए ये के पॉजिटिव आना चाहिए, और ये के पॉजिटिव तभी आएगा जब आपकी एनर्जी, यानी जो इंसिडेंट एनर्जी है, ये इंसिडेंट एनर्जी ये ज़्यादा होना चाहिए किससे, वर्क फंक्शन से, यानी फाई से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यानी इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से अगर ज़्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है जिसको हम न्यू बोल सकते हैं, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब न्यू नॉट से ज़्यादा होना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि जो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा होता है, यानी लैम्डा और फ्रीक्वेंसी इन्वर्स होते हैं, जिस भी वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, ये आप जानते ही हो,
जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कलर विल बी लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन कलर बिकॉज वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ ग्रीन कलर, इनवर्स रिलेशन होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में अगर इसे आप लिखोगे तो वेवलेंथ शुड बी लेस देन थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए। तो किसी भी जगह पर अगर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कराना है तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की कंडीशन के लिए ये सारी चीज़ें फुलफिल होना चाहिए, यानी एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए फाई से, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए फाई नॉट से, और वेवलेंथ कम होना चाहिए लैम्डा नॉट से। ठीक है, समझ में आई बात? ये अगर फुलफिल होगा तभी हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकल कर देखो एक बात आती है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होने के लिए एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए और वेवलेंथ कम होना चाहिए। तो मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तभी होगा चाहे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा हो। अब ऐसा थोड़ी ना कि तुम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाओ, फोटॉन्स के पास इतनी ताकत नहीं है तो कभी भी इमिशन नहीं हो पाएगा। मान लो जैसे यहाँ पर एक सरफेस है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को हमको निकलवाना, तो एक बार में हमने यहाँ पर रेड कलर के फोटॉन्स है मान लो ये, ठीक है, रेड कलर के फोटॉन्स मान लो, फॉर एग्जांपल मान ले रहे हैं कि रेड कलर के फोटॉन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पा रहे, नहीं हो पा रहा इलेक्ट्रॉन का इमिशन। तो हमने क्या सोचा कि रेड कलर की पहले मान लो तीन फोटॉन गिरे इसके ऊपर आकर के, अब हमने सोचा कि इसके ऊपर तीन के बजाय अगर हम पांच फोटोन डाल दें तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो जाए, ना नहीं होगा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से ये इलेक्ट्रॉन की जो भरपाई है वो पूरी थोड़ी ना हो जाएगी। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब तो तुमने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाए, अब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने से थोड़ी ना तुम एनर्जी बढ़ाओ इनकी, और एनर्जी इंटेंसिटी से बढ़ती नहीं है। तो इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तभी होगा जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी, वॉट एवर बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज, यानी लाइट को तुम इंटेंसिटी को कुछ भी बढ़ा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां एक पॉइंट तुम लिख सकते हो, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस शुड बी greater than threshold value, threshold value whatever be the intensity of radiation is, ठीक है, इंटेंसिटी कुछ भी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कभी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, नोट कर लो, इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए दिया गया है मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द मेटल सरफेस, यानी डी दूरी पर है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एट ए रेट ऑफ एन पर सेकेंड, यानी एन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ई है। कह रहा है इफ सोर्स इज ब्रॉट नियरर टू डी बाई टू, यानी दूरी को आधा करा गया है, तो देखो इंटेंसिटी इनवर्सली डिपेंड करती है दूरी के स्क्वायर पे, अगर दूरी को घटा करके आधा कर दिया गया है तो इंटेंसिटी बढ़ करके चार गुना हो जाएगी, फोर आई हो जाएगी बाद में, सही है। तो कह रहा है रेट एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर फोटो इलेक्ट्रॉन बिकम नियरली, रेट द रेट एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी चेंज करने से थोड़ी ना चेंज होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो जितनी थी उतनी ही रहेगी, यानी पहले कितनी थी, पहले ई थी तो बाद में भी कितनी होगी, ई ही होगी, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ी है और इंटेंसिटी जितने गुना बढ़ेगी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स उतने ही गुना बढ़ेंगे, अगर पहले एन थे तो अब फोर टाइम्स ऑफ एन हो जाएंगे, यानी एनर्जी हो जाएगी ई ही रहेगी और इंटेंसिटी जो है वो हो जाएगी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फोर एन हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है,
ये कोई भी एक बना सकते हो, यहाँ पर 4n और इसको e कर सकते हो क्योंकि ये b और c देखो सेम हो गए, ठीक है, तो ये कर दो। समझ रहे हो ना बात, ये समझाया हमने आपको। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, काइनेटिक एनर्जी जितनी थी उतनी ही रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी चेंज करने से चेंज होंगे, तो इसीलिए 4n हो जाएंगे, ठीक है। चलो अगले सवाल पर आ जाओ। इसमें दिया लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन फोटो सेंसिटिव मटीरियल, यानी थ्रेशोल्ड की डेढ़ गुना लाइट डाली जा रही है, ठीक है। इफ फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड एंड इंटेंसिटी इज डबल्ड द फोटो करंट बिकम्स, कह रहा है फ्रीक्वेंसी को आधा करा गया, इंटेंसिटी को डबल करा गया, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो अगर हम लिखें तो क्या होती है, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एच न्यू नॉट मान लो है, तो इसकी कितने गुना, डेढ़ गुना, यानी 1.5 टाइम्स ऑफ एच न्यू नॉट है ये, ठीक है। तो यहाँ तो इजेक्शन होगा, सही है। अब कह रहा है फ्रीक्वेंसी को आधा कर दो, तो आधा करने का मतलब डेढ़ से आधा करोगे तो 0.75 हो जाएगी, ये 0.75 एच न्यू नॉट, और माइनस वर्क फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, वर्क फंक्शन तो उतना ही रहेगा, ठीक है। इंटेंसिटी चेंज करने से वर्क फंक्शन इन सारी चीज़ों पर असर थोड़ी पड़ेगा। तो यहाँ से देखो दूसरी कंडीशन में जब काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि इंसिडेंट एनर्जी जो है 0.75 एच नॉट वो यहाँ पर वर्क फंक्शन से कम है, और अगर इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो जाएगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जब होगा नहीं इसका मतलब करंट सर्किट का ज़ीरो हो जाएगा, इसीलिए आंसर इसका जीरो होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें देखिए दिया है कह रहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कर्व फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के दे रखे हैं, तो फिर कौन सा सही है, तो यह हमने कर्व आपको पढ़ाया है। यहाँ पर देखो V1, V2, V3 ये फ्रीक्वेंसीज हैं, और V01, V02, V03 ये वोल्टेजेस हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्टॉपिंग वोल्टेज बढ़ेगा, तो स्टॉपिंग वोल्टेज डायरेक्टली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि V03 सबसे ज़्यादा है, V01 जो है 2 उससे कम है, और V01 सबसे कम है, तो इसका मतलब V03 सबसे ज़्यादा, V02 उससे कम, और V01 सबसे कम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ऑप्शन गायब है तो आंसर सही हो जाएगा बी वाला, इसमें बना सकते हो न्यू टू और न्यू 1, ठीक है, ये बी सही है। सब बेसिक बातें हैं, जो भी हमने आपको पढ़ाई थी उन्हीं पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए अगले पाते हैं। यहां पर हमको दिया वर्क फंक्शन ऑफ मेटल्स ए बी एंड सी 1.92, 2.0 एंड ये तीन मेटल हैं, ए है, बी है और सी है। वर्क फंक्शन दे रखे हैं इनके 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आइंस्टाइन इक्वेशन के हिसाब से मेटल विच विल इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉर ए रेडिएशन ऑफ 4100 एंगस्ट्रॉम, कह रहा है अगर 4100 एंगस्ट्रॉम की एनर्जी डाली जाए तो इनमें से कौन सा जो है जो रेडिएशन को कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करेगा। तो देखो हम ये चेक कर लेते हैं कि कितनी एनर्जी डाली जा रही है, तो एनर्जी के लिए ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं 12400 अपॉन लैम्डा, तो आंसर डायरेक्ट हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, तो ये 12400 और अपॉन में 4100, ठीक है, तो ये कितना आएगा, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये इंसिडेंट एनर्जी है। अब ये आप जानते हो कि जिस भी मेटल के लिए इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी तो उसी के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। तो अब यहाँ देख सकते हो ये एनर्जी ए वाले के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, और ये एनर्जी बी वाले के वर्क फंक्शन से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये वैल्यू 3 है और ये 1.92 और 2 है, इसका मतलब इन दोनों में तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा ये, लेकिन ये एनर्जी सी वाले के वर्क फंक्शन से कम है तो इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, तो इसीलिए ए और बी से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, ठीक है।
हो गया। चलो अगले सवाल पर आते हैं। इसमें दिया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो सेंसिटिव मेटल इज इतना, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन द मेटल, द कट ऑफ वोल्टेज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो ये तो सिंपल सवाल है, ई इंटू वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये लगा दो। तो यहाँ से स्टॉपिंग वोल्टेज निकल आएगा, स्टॉपिंग वोल्टेज इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट और अपॉन में ई। तो ये वैल्यू रखो 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और देखो न्यू ये है 8.2 और ये है 3.3, तो हम सीधे 8.2 माइनस 3.3 और 10 की पावर 15 बाहर ले लेते हैं, 14 बाहर ले लेते हैं, और अपॉन में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। तो ये कितना हो जाएगा 6.6 इंटू, ये कितना 12 में से 3 गया 9 बचा, और 7 में से 3 गया 4 बचा, 4.9 इंटू 10 टू द पावर 14 ये है प्लस का 34 ये, तो माइनस का 20 बचा और प्लस का 19 नीचे से पहुंच गया, और अपॉन में 1.6। तो ये लगभग 16 चार जा 64 हो जाएगा 4, और इधर बचेगा अब ये हमारे पास 4 5 जा 20, लगभग हम 20 कह सकते हैं इसे 20, और इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 मीन्स लगभग 2 आ जाएगा बोल्ट आंसर। ठीक है, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें देखिए दिया गया है द कैथोड ऑफ ए फोटो सेल इज चेंज्ड सच दैट द वर्क फंक्शन चेंजेस फ्रॉम W1 टू W2। यानी दो फोटो सेल हैं, जैसे एक फोटो सेल नंबर मान लो C1 है और एक C2 है, चेंज करा गया, इसका वर्क फंक्शन W1 था, इसका W2 है, और ये दिया गया कह रहा W2 जो है वो W1 से ज़्यादा है। इफ़ द सेचुरेशन करंट्स बिफोर एंड आफ्टर चेंज आर I1 एंड I2। ठीक है, यानी पहले करंट कितना था, I1 था, और बाद में करंट कितना है, I2 है, देन ऑल अदर कंडीशंस आर अनचेंज्ड, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो कह रहा है, और ये मान कर चलो कि एच न्यू वर्क फंक्शन से ज़्यादा यानी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की कंडीशन है, तो कह रहा है इसमें क्या चीज़ होगी, मतलब करंट के रिलेशन बताइए। तो देखो यहाँ पर वर्क फंक्शन चेंज हुआ है, वर्क फंक्शन, और अगर वर्क फंक्शन चेंज हुआ है तो इससे जो मतलब मेटल्स हैं, क्योंकि वर्क फंक्शन किसकी प्रॉपर्टी होती है, मेटल की, तो ये आई करंट कहाँ से आएगा, ये करंट होता डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर, लाइट की कंडीशन तो सेम है ना, तो करंट इंटेंसिटी अगर सेम है तो करंट तो सेम निकलेगा, तो इसीलिए करंट यहाँ पर सेम रहेगा दोनों का। ठीक है, ठीक है, हो गया। चलो अगली बात देखो। अब देखो यहाँ पर जो आइंस्टाइन ने अपनी बात को एक्सप्लेन किया वो एक एलिमेंट्री प्रोसेस है, और वो एलिमेंट्री प्रोसेस ये है कि यहाँ पर जो भी फोटोन एनर्जी लाएगा एच न्यू, इस फोटोन के एनर्जी को इलेक्ट्रॉन खाएगा, जो बर्बाद होगी वो फाई नॉट, जो बचेगी वो ये बाहर लेकर के निकलेगा, जिसको हम बोलेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये एक एलिमेंट्री प्रोसेस है, यानी हर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये फोटोन और इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन हो गई होगा। अब ये बात और है कि तुम यहाँ पर 10 फोटोन डालोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 5 डालोगे तो 5 निकलेंगे, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा फोटोन डालने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज़्यादा फोटोन डालने से ज़्यादा निकलेंगे लेकिन उतने ही निकलेंगे जितने फोटोन डालोगे, निकलेंगे तभी जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पर तुम डालोगे। ठीक है, निकलेंगे तभी जब यहाँ पर ये वाली फ्रीक्वेंसी जो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी इससे ज़्यादा होगी तब ये निकलेंगे। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट्री प्रोसेस है।
अब तुम इंटेंसिटी चाहे कितनी भी इंक्रीज करो, इंटेंसिटी बढ़ाने से ये एलिमेंट्री प्रोसेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये पड़ेगा कि हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, लेकिन इसकी एनर्जी पर कोई असर थोड़ी ना आ जाएगा। और ये एलिमेंट्री प्रोसेस यानी जैसे ही फोटोन यहाँ आएगा फौरन ही इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और फौरन ही बाहर निकलेगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन इमिशन में और फोटोन के इंसिडेंस में कोई भी टाइम लैग नहीं होगा, क्योंकि ये एलिमेंट्री प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ज़्यादा इंटेंसिटी के फोटोन मतलब ज़्यादा फोटोन डालोगे तो जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कम डालोगे तो पहले मतलब देर लगेगी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने यहाँ पर 3 फोटोन को गिराया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन में 1 नैनो सेकेंड का टाइम ले रहा है, तो अगर हम यहाँ पर 10 फोटोन को गिराएंगे 10 h nu में तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन 0.1 नैनो सेकेंड का टाइम लेगा, ऐसा नहीं है ना, ये गलत है। यही बात तो वेव थ्योरी में थी, वेव थ्योरी ने इसी बात को बताया था कि इंटेंसिटी कम रखोगे तो ये होगा, ज़्यादा रखोगे तो ये होगा, यही सब गड़बड़ियाँ थी जो सही करी गई। यहाँ पर भी उतना ही टाइम लगेगा, फर्क सिर्फ इतना होगा कि अगर 3 फोटोन हैं तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ पर 10 हैं तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन टाइम उतना ही लगेगा। अगर 1 नैनो सेकेंड में ये निकल रहा तो यह क्योंकि ये एलिमेंट्री प्रोसेस है, हर इलेक्ट्रॉन के साथ यही होगा और साथ साथ होगा, मीन्स हर चीज़ यहाँ पर इंस्टेंटेनियस होगी, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो होती है वो इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है, साथ साथ सब कुछ चलेगा अचानक से, जैसे इलेक्ट्रॉन आया जैसे फोटोन आया फौरन इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर, फोटोन आया लेकर बाहर, फोटोन आया लेकर बाहर। ऐसा नहीं है कि पहले एनर्जी आई फैली फिर उसके बाद बट बट के मिलेगी, इसको मिल गई इसको मिल गई इसको मिल गई, ऐसा नहीं होगा। जितनी एनर्जी आई सब, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस हम बोल सकते हैं। यहां पर एक बात, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज इंस्टेंटेनियस एलिमेंट्री प्रोसेस, ठीक है, विच डज नॉट टेक एनी टाइम लैग बिटवीन इजेक्शन एंड इंसिडेंस, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन के निकलने में और फोटोन के इंसिडेंस होने में कोई टाइम लैग नहीं होता है, ठीक है, कोई भी टाइम लैग नहीं होगा, इंस्टेंटेनियस एलिमेंट्री प्रोसेस है, सब फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ ये चलेगा, ठीक है। और इससे जो आइंस्टाइन की इक्वेशन थी, यानी ये थी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है, ये न्यू नॉट। अब यहाँ से E into V naught stopping potential is equal to H incident waves की frequency minus phi naught, तो यहाँ से V naught is equal to H upon E और into nu minus phi naught और upon में E, ये तो यहाँ से ये देखा जाएगा कि अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ किस तरीके का बनेगा, यानी इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ये हम V नॉट यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। तो ये ग्राफ अगर बनाओगे तो ये Y एक्सिस के ऊपर है, ये इसका स्लोप है और ये X एक्सिस के ऊपर है, माइनस ये इसका इंटरसेप्ट है, ठीक है, ये इसका इंटरसेप्ट है। तो अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो पॉजिटिव इसका स्लोप है और निगेटिव इसका इंटरसेप्ट है, पॉजिटिव स्लोप एंड निगेटिव इंटरसेप्ट, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ है, ठीक है, जिसका इंटरसेप्ट पीछे की तरफ लाओगे तो ये है इसका इंटरसेप्ट और ये है इसका स्लोप, यानी ये इसका स्लोप है थीटा इस लाइन का। तो यहाँ पर स्लोप अगर देखा जाए तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन ई, ये। और यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
कि यहाँ पर चाहे कोई भी तुम मेटल ले लो, कोई भी मेटल, अगर मान लो दूसरा मेटल लिया तुमने जिसका वर्क फंक्शन डिफरेंट है, तो इस मेटल का वर्क फंक्शन अगर डिफरेंट है तो दूसरे मेटल के लिए अगर ग्राफ बनाओगे तो दूसरे मेटल का स्लोप भी इतना ही यहाँ पर आएगा। ये मेटल ए है और ये मेटल बी है, स्लोप सेम, क्योंकि कोई भी ग्राफ बनाओ ये एच अपॉन ई जो है ये तो फिक्स रहेगा, ये चीज़ चेंज होगी, इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा। इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है, देखो फाइ नॉट पहले वर्क फंक्शन इतना था, अब दूसरे वाले का वर्क फंक्शन इतना है, ये है। तो मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि स्लोप इसका सेम आ रहा है, यानी जो भी मेटल्स तुम यहाँ पर ले लो, कोई भी मेटल ले लो, हर मेटल के लिए जो ये वर्क फंक्शन आ रहा है, यानी ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इनका जो स्लोप है वो एकदम कांस्टेंट है, हर मेटल के लिए कांस्टेंट निकल कर आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी मेटल, अभी इसके लिए देखो पूछा जा सकता कि ये मेटल ए है, ये मेटल बी है, वर्क फंक्शन बताइए, तो फिर आपको ये ग्राफ बनाना आना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसके ऊपर सवाल भी पूछे जाते हैं। तो अगर मान लो दो मेटल का तुमसे पूछ लिया तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाली वैल्यू तुम्हें दे दी गई, तो ये और अपॉन ये, क्योंकि ये इसका इंटरसेप्ट है फाइ नॉट अपॉन ई, तो इससे तुम निकाल सकते हो वैल्यू, ठीक है। जो भी पूछा जाएगा वैल्यू यहाँ से आसानी से निकल जाएगी। जैसे वर्क फंक्शन अगर निकालना है तो वर्क फंक्शन कैसे निकालो, क्योंकि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो टेन थीटा अगर लगाओगे और ये वैल्यू कुछ दी है, अगर मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बी दे रखी है मान लो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, इंटरसेप्ट, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, क्योंकि यही तो स्लोप है, और ये स्लोप है क्या चीज़ है, फाई नॉट अपॉन ई, ये क्यों सॉरी यही तो इंटरसेप्ट है, फाई नॉट अपॉन ई ये इंटरसेप्ट है इसका, और स्लोप क्या है, एच अपॉन ई, ये इसका स्लोप है, तो टेन थीटा की जगह लिख सकते हैं हम एच अपॉन ई, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन ई, और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, यानी फाई नॉट अपॉन ई और अपॉन में बेस यानी बी, ये तो ये ई से ई कैंसिल। अब यहां से देखो फाई नॉट आ जाएगा, फाई नॉट इज इक्वल टू बी और इन टू प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, यहां से आ जाएगा। अब इसका बी अलग अलग दिया है, इसका बी कुछ और दिया है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट तो सेम है, इसका बी कुछ और दिया है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट सेम है, तो इससे तुम वर्क फंक्शन यहां पर निकाल सकते हो किसी का भी। लेकिन यहां से इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए ये जो वैल्यू आ रही है निकल करके ये एकदम सेम है, यानी स्लोप जो आ रहा है वो सेम है, एकदम सेम है। तो इसका मतलब ये जो बात है कि जो स्लोप है इसका, यानी इस ग्राफ का जो स्लोप है, हम कह सकते हैं स्लोप इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल, मटेरियल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके स्लोप के ऊपर, ठीक है। जैसे ये है, ये अगर लोहे का मतलब मान लो ये आयरन है और ये सोडियम है, तो इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, या ये आयरन है ये सोडियम है, स्लोप सेम है, स्लोप सेम है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल है, मटेरियल से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी 1906 से लेकर के, जब ये बात इन्होंने बताई तो 1906 से लेकर के 1912 तक, ये जैसे जब ये सब बातें बताई गई और हाइगेंस की इतनी पुरानी वेव थ्योरी थी वो जब फेल हुई, फेल होने का उसका नाम आया, तो फिर दिक्कतें आ गई लोगों के अंदर कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बात कैसे थ्योरी हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एकदम नई कहानी दे डाली इन्होंने, है ना, क्योंकि बहुत बड़ी डिस्कवरी थी और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया था, बताई था तुमको 1923 में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ सारे हुए थे, फिर उसके बाद ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो जो मिलिकन थे, मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट सुना होगा, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बारे में जो है पता किया था, तो उनका भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर काफ़ी काम था, तो उन्होंने सोचा अरे आइंस्टाइन ऐसे कैसे, यार ये कैसे हो सकता है, ये तो गलत है। तो वो डिसप्रूव करने के लिए बहुत मतलब उनकी ये कोशिश थी कि आइंस्टाइन का जो ये है इसको डिसप्रूव करा जाए, यानी 1906 से इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करे इसके ऊपर, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद
जब जैसे इन्होंने यहाँ से इसका स्लोप निकाला और स्लोप निकालने के बाद एच की वैल्यू निकाली, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, और एक बार यहाँ से निकाली लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी से डी ब्रोगले से, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू एकदम सेम थी। और इन्होंने देखा इस ग्राफ में अगर स्लोप निकाल लेंगे तो एच की वैल्यू पता चल जाएगी, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट तो फिक्स है, तो जितनी वैल्यू यहाँ सारी उतनी वैल्यू यहाँ सारी थी। तो जो टांग खींचने के लिए इनके पीछे पड़े थे, इस इक्वेशन को डिसप्रूव करने के लिए पड़े थे, तो 1916 में इन्होंने इसे प्रूव कर दिया। 1916 में इन्होंने बोल दिया कि भैया इनका कोई टक्कर नहीं है, जो बात है वो सही है इनकी एकदम। तो इसीलिए फिर ऑथेंटिसिटी हो गई, 1916 में प्रूव हो गया कि हाँ ये बात जो बोली है वो एकदम सही है। और जब ये बातें सही प्रूव हो गई तो वेव थ्योरी की आ गई फिर, क्योंकि वेव थ्योरी तो कुछ और ही कहानी बता रही थी, वेव थ्योरी का अलग ही केस था, है ना। हाइगेंस की जो वेव थ्योरी थी वो अलग ही कुछ था उसका। तो अब उनकी लड़ाई देख लेते हैं, क्या हुई थी लड़ाई, नोट कर लिया होगा तुमने। अब जरा इनके बीच में ये देखते हैं कि वेव थ्योरी फेल क्यों हुई, क्यों ऐसा क्या था, इतने साल राज करा लेकिन फिर फाइनली आइंस्टाइन ने बत्ती गुल कर दी इनकी। फेल्योर ऑफ वेव थ्योरी, बहुत सारी गड़बड़ियां थी इसमें। अब देखो अंधों में काना राजा जैसे होता ना, कि उस टाइम पे किसी को कुछ मालूम तो था नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लेक्ट्रॉन कोई डिस्कवरी नहीं थी, तो सारी चीज़ों के बारे में जब मालूम चला तो फिर ये फेल हुई। उससे पहले जैसे डार्विन के बारे में तुमने पढ़ा होगा, है ना, डार्विन ने जो है अपनी पूरी थ्योरी जो है वो किसके ऊपर दी थी, नेचुरल सिलेक्शन, मतलब उसने जो है जेनेटिक चीज़ की बात ही नहीं, क्योंकि जेनेटिक जीन्स के बारे में पहले पता नहीं था। तो उनने घूम घाम का आया तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है बोल डाला, और सब लोगों ने माना कि हाँ ऐसा हुआ होगा, इसलिए एवोल्यूशन हुआ होगा, इसलिए हुआ होगा, इसलिए हुआ। लेकिन बाद में जब डीएनए की डिस्कवरी हो गई और बहुत सारी चीज़ें आ गई तो फिर जो है पता चला कि हाँ ये बातें सही नहीं थी। जबकि मेंडल ने उस टाइम पर कुछ, लेकिन उनके पास भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, क्रोमोसोम क्या होते हैं ये क्या वो सब पता ही नहीं था। तो ऐसे यहाँ वेव थ्योरी बहुत टाइम तक चलती रही, क्योंकि किसी और कोई और ऑप्शन नहीं था, लोगों के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो क्या मानते। तो इसमें देखो गड़बड़ी क्या थी, पहली गड़बड़ी तो ये थी कि इन्होंने ये बताया कि जो इमिशन होता है, मतलब किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, इसके लिए लाइट किस फ्रीक्वेंसी की है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इससे, क्योंकि फोटोन ओटोन के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लाइट को वेव माना जाता था। तो इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है भैया, यहाँ पर लाइट कुछ भी फ्रीक्वेंसी की हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस डाल दो और डालने के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी इनकी थ्योरी में देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज इमिशन में अकर एट एनी फ्रीक्वेंसी, किसी भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर इमिशन हो सकता है ये बताया था। तो पहली बात ही गलत, क्योंकि आइंस्टाइन के हिसाब से ऐसा नहीं था, क्योंकि आइंस्टाइन ने एक अलग ही पिक्चर दी फोटोन की, कि यहाँ पर फोटोन एनर्जी लेकर आ रहा है जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, पहली बात तो ये हुई, ठीक है। दूसरी चीज़ इन्होंने ये बताई कि जो फोटॉन्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे इन्होंने ये बताया कि पहले एनर्जी जो आती है, मतलब जो यहाँ से वेव आएगी, पहले ये वेव की एनर्जी इसके ऊपर फैलेगी आकर के, फिर फैलने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी एनर्जी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पर जो एनर्जी थी वो एक फोटोन के पास थी एच न्यू, और वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन के पास जा रही थी। यानी इनकी थ्योरी के हिसाब से एलिमेंट्री जो प्रोसेस है ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। यानी इनके हिसाब से इंसिडेंट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन सरफेस ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, सरफेस ऑफ सब्सटेंस। तीसरी बात इन्होंने ये बताई कि अगर हम
लाइट कम रखेंगे यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे, ज़्यादा रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे। यानी इंटेंसिटी का रिलेशन बता दिया कि यहाँ पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो रिलेट होती है इंटेंसिटी से, ये बताया, जो कि बिल्कुल गलत था। ठीक है, तो इन्होंने बताया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी। ठीक है, ये भी बात गलत थी, सारी चीज़ें आइंस्टाइन के हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। और एक आखिरी बात जिसके हिसाब से इन्होंने बताया कि पहले इस सरफेस के ऊपर आकर के लाइट पड़ेगी, फिर फैलेगी, फैले के बाद इलेक्ट्रॉन इसको लेगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। यानी इस लाइट की एनर्जी को यहाँ पड़ने में और इलेक्ट्रॉन्स के निकलने में एक टाइम लैग होता है, टाइम लैग, जो कि गलत था क्योंकि टाइम लैग नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो एक लास्ट बात ये थी, देयर शुड बी ए टाइम लैग बिटवीन इजेक्शन एंड इंसिडेंस। ठीक है, नोट कर लो, बिटवीन इजेक्शन एंड इंसिडेंस। तो ये सारी गड़बड़ियाँ थी, पहली गड़बड़ी यही थी कि इन्होंने जो है थ्रेशोल्ड टाइप की कोई फ्रीक्वेंसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इंसिडेंट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है सरफेस पे सब्सटेंस की, काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड होती है इंटेंसिटी से, और टाइम लैग होना चाहिए इजेक्शन और इंसिडेंस के बीच, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी। ठीक है, तो अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोटो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।